नमस्कार, मैं हूं सुशील और आज हम हैं वाराणसी के बस स्टैंड पे। हालांकि जो आज का जो मौसम है वो बहुत ही एक अपने इसमें बहुत शानदार है, लेकिन इस मौसम के बीच में आज हम हमारे साथ है आज दीप चौहान जो कि नगर अध्यक्ष है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आप सभी को नमस्कार। मेरा ये है कि जिस प्रकार से अब नगर पालिका में जो भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो क्या आप लोगों की रणनीति है? आप नगर अध्यक्ष भाजपा मंडल के वाराणसी के, अभी आरक्षण आए हैं और आरक्षण में महिला आरक्षण, इसका अभी अब पार्टी गाइडलाइन जो भी निर्णय लेगी उसके हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे और समय आने पर पार्टी के द्वारा जो डिसाइड होगा उसके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का फिर एक बार नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर बैठेगा? इस बार जीत सुनिश्चित हमारी भाजपा की ही होगी और जीतना तय है, भाजपा की जीत पक्की है। तो ये मेरे साथ थे यहाँ पर दीप चौहान जो कि नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष है, वो उनसे मेरी मुलाकात थी कि नगर पालिका के जो उम्मीदवार अब भाजपा जो उतारने वाली है वो दावा कर रही है कि जो भी होगा अगर नगर पालिका अध्यक्ष वो भाजपा से ही होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं हूँ सुशील कुमार।